स्क्रीन से पास आउट होने के बाद में हमारा जो सॉलिड हमारा जो सीवेज वेस्ट है वो एंटर करता है ग्रिट चेंबर में और उसी को हम कहते हैं ग्रिट रिमूवल। ग्रिट रिमूवल होता है ग्रिट चेंबर के अंदर। ग्रिट होती क्या है? ग्रिट एक्चुअली इज अ हेवी मिनरल मटेरियल फाउंड इन अ रॉ सीवेज एंड इट मे कंटेन सैंड, ग्रेवल, सिल्ट, सिंडर्स, ब्रोकन ग्लासेस, स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ मेटल्स एंड अदर स्मॉल ऑर्गेनिक सॉलिड्स। तो स्क्रीन्स में से तो हमारे जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, लेकिन जो सैंड सिल्ट वगैरह के कुछ पार्टिकल्स अगर उसमें हैं तो इनको डिपॉजिट करवाने के लिए हम एक टैंक प्रोवाइड करते हैं, एक चैम्बर प्रोवाइड करते हैं और उस चैम्बर के अंदर ये सारे के सारे जो ग्रिट मटेरियल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं। दीज हैवी मिनरल्स एंड अदर इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड बाय प्रोवाइडिंग द ग्रिट चैम्बर। ठीक है, ग्रिट चैम्बर इज अ टैंक इन विच द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज इज रिड्यूस्ड। हम क्या करते हैं, जो फ्लो की वेलोसिटी रहेगी सीवेज की वेलोसिटी उसको हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। अब वेलोसिटी कम कर देंगे तो जिसकी वजह से जो ग्रिट पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है वो सस्पेंशन में है, अब वो धीरे 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 क्या करेंगे, वो बॉटम ऑफ टैंक में क्या कर जाएंगे, डिपॉजिट कर जाएंगे। ग्रिट चैम्बर क्या होता है, मे बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप। इस तरीके से होता है हमारा ग्रिट चैम्बर। एक इनफ्लो रहेगा हमारे पाइप के जरिए से और ये दिस इज द क्रॉस सेक्शन और इसको इस तरीके से स्लोप प्रोवाइड किया जाता है बॉटम में, क्योंकि ये दिस इज द टॉप लेवल और सरफेस ऑफ द सीवेज और जो कोई भी ग्रिट के पार्टिकल्स यहाँ पर हो सकते हैं ये ग्रिट के पार्टिकल्स क्या करेंगे, धीरे 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 डिपॉजिट करेंगे और ये डिपॉजिट होने के बाद में ये क्या करेंगे, यहाँ पर बॉटम में से उनको रिमूव करने के लिए डिफिकल्टी ना हो इसलिए हम बॉटम में स्लोप प्रोवाइड कर देते हैं और बिकॉज ऑफ दिस स्लोप ये ग्रिट क्या होते हैं, धीरे 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 यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं बॉटम में और यहाँ से हम पाइप का कनेक्शन प्रोवाइड कर रखते हैं और उस पाइप के जरिए से उन ग्रिट को क्या करते हैं, हम रिमूव कर लेते हैं और यहाँ से क्या होगा, जो सीवेज रहेगा वो कंटिन्यू आगे दूसरे डिफरेंट यूनिट्स में चला जाता है। ठीक है, दिस इज द प्लान ऑफ द ग्रिट चेंबर। तो पर्पस ऑफ द ग्रिट चेंबर क्या है, प्रोटेक्ट मूविंग मशीन मैकेनिकल इक्विपमेंट्स फ्रॉम एब्रेशन एंड अकम्पनिंग एबनॉर्मल वेयर। अगर हमने ग्रिट को रिमूव नहीं किया सीवेज में से तो ये जो सैंड सिल्ट वगैरह जो पार्टिकल्स हैं आगे के जो डिफरेंट हमारे मैकेनिकल इक्विपमेंट्स रहेंगे, मैकेनिकल जो भी यूनिट हो सकते हैं उसके अंदर वो क्या करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, उनका क्या हो सकता है, लाइफ खत्म हो सकता है, वहाँ पे वेयर एंड टेयर हो सकता है, कोई इक्विपमेंट टूट सकता है। ठीक है, तो इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रिट चेंबर प्रोवाइड करना, रिड्यूस फॉर्मेशन ऑफ हेवी डिपॉजिट्स इन पाइपलाइंस, पाइपलाइंस का ब्लॉकेजेस वगैरह ना हो, अच्छी उनकी प्रॉपर वर्किंग हो इसके लिए, रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाइजेस्टर टू रिमूव द ग्रिट फ्रॉम द सीवर टू मिनिमाइज द लोड ऑफ द सबसिक्वेंट ट्रीटमेंट। ये जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, हम स्टार्टिंग में ही अगर जो कुछ भी ग्रिट वगैरह है उसको हम रिमूव कर लेंगे तो अगले यूनिट्स का जो लोड है वो कम हो जाएगा, उतना रिमूव करने का जो काम है उनका वो कम हो जाएगा। लोकेशन क्या है, कहाँ पर लोकेट करते हैं हम ग्रिट चेंबर को, ग्रिट चेंबर्स आर यूजुअली लोकेटेड अहेड ऑफ द पंप्स, पंप्स के पहले प्रोवाइड कर देना है क्योंकि पंप के अंदर ग्रिड वगैरह अगर इंसर्ट कर गई तो पूरा पंप आपका खराब हो जाएगा, तो इसीलिए स्टार्टिंग में ही प्रोवाइड करते हैं, जैसे ही स्क्रीनिंग हुआ इमीडिएटली ग्रिड चेंबर प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ ग्रिड चेंबर हमने स्टडी कर लिया, ग्रिड चेंबर्स आर प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट द पंप्स फ्रॉम द एब्रेशन एंड वेयर, टू रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ हेवी डिपॉजिट्स इन द पाइपलाइंस, टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाइजेस्टर। ये सारी चीजें वही है जो पर्पस है, मतलब पर्पस और फंक्शंस आर ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो ग्रिट चेंबर में मतलब हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो कुछ भी ग्रिट मटेरियल्स हैं उनको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं आफ्टर द स्क्रीनिंग। अच्छा, इसकी जो साइज वगैरह होती है टैंक की वो क्या है, द फॉर ग्रिट चेंबर इज प्रोवाइडेड आफ्टर स्क्रीनिंग, बोला ना मैंने, दिस चेंबर इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट ओनली ग्रिट सेटल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर इज नॉट सेटल। जो इनऑर्गेनिक मैटर है ना सिर्फ उन्हीं को हम सेटल करवाते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर है ना उनको नहीं, क्योंकि उसके लिए हमारे पास में आगे यूनिट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। जो ओनली इनऑर्गेनिक मैटर है सैंड सिल्ट क्ले वगैरह के जो पार्टिकल्स है उनको रिमूव करवाना ग्रिट चेंबर का काम है। इट सेटल्स द पार्टिकल्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65, ऐसे पार्टिकल्स जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी नियर अबाउट 2.65 है, मतलब वाटर से ज्यादा है, तो उन पार्टिकल्स को सेटल करवाते हैं हम ग्रिट चेंबर के अंदर, एंड डायमीटर ग्रेटर देन 0.2 mm।
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू दिस चेंबर आपको ये याद रखना है 0.15 टू 0.3 मीटर पर सेकंड इतनी मेंटेन करते हैं। किसकी? सीवेज की वेलोसिटी, मतलब यहाँ से जो सीवेज एंटर करेगा ना, यहाँ से इस तरीके से इस डायरेक्शन में, तो उसको हमको मिनिमाइज करना है क्योंकि जो कुछ भी ग्रिट है उसको सेटल करवाने उसके लिए, तो कितनी वेलोसिटी मेंटेन करेंगे? वेलोसिटी तो एकदम जीरो नहीं कर सकते। अगर वेलोसिटी टोटल जीरो कर देंगे तो अगले नेक्स्ट यूनिट में सीवेज कैसे क्या फ्लो करेगा? तो वेलोसिटी कुछ तो चाहिए और मिनिमम भी चाहिए ग्रिट को सेटल करवाने के लिए, तो एक वैल्यू, एक रेंज रखना चाहिए एंड दैट वैल्यू इज 0.15 से 0.3 मीटर पर सेकंड एंड डिटेंशन पीरियड इज अबाउट 1 मिनट, मतलब 1 मिनट तक का हमारा सीवेज इसके अंदर रहना चाहिए और उसके बाद में नेक्स्ट यूनिट में फ्लो कर जाना चाहिए। 1 मिनट में जो पार्टिकल्स होते हैं ग्रिट पार्टिकल्स वो सेटल कर जाते हैं क्योंकि उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ऑलमोस्ट डबल है वाटर से, तो वो जल्दी से फटाफट वो डिपॉजिट कर जाते हैं, इसलिए उनका जो डिटेंशन पीरियड है वो क्या है, कम है। डेप्थ ऑफ टैंक ये 0.9 से 1.2 मीटर इतनी होती है, ये जो डेप्थ ऑफ टैंक है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये 0.9 से 1.2 मीटर तक की होती है। ठीक है, तो हमने ग्रिट चैम्बर के बारे में सारी चीजें डिस्कस कर ली।